दोस्तों, YouTube ने मेरा YouTube चैनल को टर्मिनेट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। मैं जितना भी कोशिश करता हूँ YouTube चैनल को लॉगिन करने की, तो लॉगिन नहीं हो पाता है। जीमेल लॉक कर देता है दोस्तों, आपका जीमेल कभी भी ओपन नहीं होता है। कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, दिस एक्शन इट्स अलाउड टॉप टू रेट्री। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जब आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों, क्या रीज़न है यूट्यूब चैनल डिलीट होने का, तो आप आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने जो गलती किया था, आपको इसी तरह का गलती कभी नहीं करना है, नहीं तो आपका भी यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है। तो चलिए मैं पूरा बारीकी से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद जब आप जीमेल पर जाओगे, तो दोस्तों आपका जीमेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों, जिस जीमेल पर आपका यूट्यूब चैनल है, तो दोस्तों इस तरह का दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपका जीमेल लॉक्ड हो जाएगा, कभी भी ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों, उसका क्या कारण है दोस्तों, अगर आप किसी का वीडियो यूज करते हो, म्यूजिक यूज करते हो, तो दोस्तों वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है और दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने भी यही किया था। मेरा जो सेकंड चैनल है, उस चैनल पर वीडियो और कुछ म्यूजिक वगैरह दूसरा का यूज किया था, इसीलिए मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने हमेशा के लिए। आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आज से समझ गया हूँ कि मैं किसी का वीडियो वगैरह, म्यूजिक वगैरह कभी भी यूज नहीं करूँगा। तो अगर मेरा मेन चैनल होता तो मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता, क्योंकि मेरे मेन चैनल पर कमाई हो रहा है मेरा। तो अच्छा हुआ, मैं कुछ समझ में आ गया मेरे को कि दूसरे का वीडियो यूज करने से, दूसरे का म्यूजिक यूज करने से दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है। तो यूट्यूब ने मेरा चैनल को दो महीने में ही डिलीट कर दिया, लेकिन अच्छा खासा व्यूज आ रहा था। तो दोस्तों, दूसरे का वीडियो यूज करोगे तो दोस्तों व्यूज तो आएगा, म्यूजिक यूज करोगे व्यूज तो आएगा, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा और दोस्तों आपका चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर देगा। तो सामने वाला क्या करेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। 3 स्ट्राइक आने के बाद दोस्तों आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। तो मेरा भी यही हुआ दोस्तों, आप यही गलती आपको नहीं करना है। अगर करता है तो दोस्तों आपका भी चैनल इस तरह से टर्मिनेट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।